हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत आसान तरीके से बनाने वाले अपने गोल्डन पॉम्पानो फिश लेकर के आई हूँ, जो कि आप स्नैक में बहुत इजीली खा सकते हैं, पार्टी में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं पॉम्पानो बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक गोल्डन पॉम्पानो फिश ले रखा है, तो अब इसको हम सबसे पहले इसे हम फिल करेंगे, तो फिल करेंगे और मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए जो हमारी तैयारी होगी, ये मैंने एक बाउल ले रखा है। इस बाउल में हम करीब 1.5 टीस्पून मिक्स मसाला डालेंगे। ये मिक्स मसाला जो है मेरा, वो क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला का है, तो इसे हम डालेंगे। ये करीब 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने ब्लैक सॉल्ट ले रखा है। 1 टीस्पून हम अमचूर पाउडर डालेंगे। ये 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप इन सबको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा और सॉल्टी खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब इसमें फ्रेंड हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर भी मिक्स करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने पॉम्पेनो गोल्डन पॉम्पेनो लिया है, उसको साइड से मैंने इस तरह से स्लिट करके रखा हुआ है। और अब हम इसमें ये मसाला को भरेंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा मसाला खाते हो, तो जो जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, जो क्वांटिटी बताई है, आप उसका डबल भी ले सकते हैं, ताकि ये पूरी तरह से भर जाए अच्छे से। तो इस तरह से मैंने मसाले को भर दिया है फ्रेंड्स। और ये ऊपर से हम जो है सब मस्टर्ड टर्मरिक पाउडर भी डालेंगे, और दोनों तरफ से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखो, थोड़ा नमक, और ये मैंने हाफ जूस, हाफ लेमन ले रखा है, उसका जूस ऊपर से डालेंगे। और अब हम इसे दोनों तरफ से इसे मैरिनेट कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ से जो हमारा नमक है, हल्दी है और जो मैंने लेमन दिया है, वो हम इस पर सही से कर ले। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मैरिनेट कर लिया, और अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये गोल्डन पॉम्पानो मैरिनेट हो चुका है, और अब हम इसे रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, बेक करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप इजीली कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, बहुत ही इजी होगा। तो अब मैंने इसे मीडियम हाई हीट पे रखा हुआ है, और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने टेस्ट अपने अकॉर्डिंग ऑयल डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है। ये कम ऑयल में भी आराम से बेक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और अब हम अपने जो पैम्पेने हुए उसको ऑयल में डाल देते हैं। तो ये मैरिनेट के वो पैम्पेने हमने डाल दिया है इसमें। और फ्रेंड्स, अब इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम हाई हीट पर ही रहने दें, और इसको अब हम ढक देते हैं, ताकि ये जल्दी से पके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक तरफ से फ्राई हो गया है, अब हम इसे पलट लेते हैं। और अब हम घी चकना थोड़ा कम कर लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे से पके, और हमारा जो ये फिश है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसे हीट को थोड़ा कम कर देंगे, ताकि वो स्लोली पके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो फिश है वो बन चुका है, और अब मैं इसे निकाल लूंगी। मैंने अपने स्टोव को बंद कर दिया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं।
तो ये फ्रेंड्स हमारा गोल्डन पम्पनो फ्राई तैयार हो चुका है। अब आप इसे कच्चे प्याज और नींबू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप इसे इस गोल्डन पम्पनो को बनाए खाएं, अपने फ्रेंड्स बच्चों को खिलाएं और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय बाय फ्रेंड्स विद नेक्स्ट वीडियो।